सर वेलकम टू शिमोगा, और सबसे पहले आपको मैं हमारे न्यूज़ चैनल पर वेलकम करता हूं। सर आप बताइए कि किस तरह से अभी जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, कहां तक आप सक्सेसफुल मानते हैं इसे? ये तो सक्सेसफुल है, इस आंदोलन से किसानों को अपनी बात कहने का जी एक प्लेटफार्म मिल गया जी, और जो लोग दबे हुए थे, जो लोग बोल नहीं सकते थे, वो निकल कर इस प्लेटफार्म पे अपनी बात कह सकते हैं जी। और जो लॉस में फार्मर्स था, जो घाटे की खेती करता था, वो अब नहीं करेगा, अपनी बात सरकार के सामने बहुत मजबूती तरीके से रखा जी। लेकिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, तीन जो बिल है केंद्र सरकार के, उस कानून को हटाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पर अभी अपनी कोई राय नहीं रख रही है। हाँ, अभी राय नहीं रख रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो राय इसलिए नहीं रख रही कि व्यापारी का पक्ष ले रही है वो जी, और वो कानून वापसी नहीं लेना चाहती। MSP पे कानून नहीं है जी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसीलिए किसानों की जो फसलें हैं वो लुटी जाती है एक किस्म से जी। और हम वो मांग रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार की CAPC की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तय हुई और उसके कम पे भी बिके तो नुकसान है किसानों को जी। अब ये नहीं होगा ये नुकसान जी। सर अभी केंद्र सरकार पिछले 2 महीने से आपसे बातचीत के लिए आगे नहीं आई है, आगे नहीं आई, तो इसकी क्या वजह है? क्या वो आपके जो प्रोटेस्ट है उसे इंटरनली दबाना चाहती है, क्या है? दबाना चाहती है, वो अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं जी। अलग अलग, वो पहले अगर इसमें मुस्लिम कोई आ गया तो उसको पाकिस्तानी बताते हैं, अगर इसमें सरदार लोग आ गए तो उसको खालिस्तानी बताते हैं जी, अगर इसमें कोई और लोग आ गए तो अलग अलग जातियों का नाम भी लेते हैं जी। तो वो फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का किसान बताते हैं जी, फिर स्मॉल फार्मर्स और अपर फार्मर्स बताते हैं जी, वे फिर कुछ फसलों का आंदोलन बताते हैं, जैसे पेडी और वीट का आंदोलन बताते हैं जी। तो इस तरह के बहुत से सवाल वो कर रहे हैं अभी, और ये आंदोलन उससे ऊपर चला गया अब जी, ये एक जन आंदोलन अब बन चुका है जी। अभी जिन राज्यों में इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या वो अभी भी वहाँ पे भक्त ही आगे हैं या फिर किसान के साथ लोग खड़े हुए? नहीं, किसानों के साथ में खड़े, और हमने उनको कहा कि वो एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे, आपका वोट मांग रहे हैं, आपकी भावनाएं मांग रहे हैं, तो वो मांग रहे हैं, तो उनसे आप MSP मांगो जी, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा है, आप वो उनसे मांगो जी। तो ये हमने उनको कहा है किसान। सर लास्ट 5 साल पहले तक आपके संबंध BJP के साथ बहुत अच्छे थे? नहीं नहीं, हमारे हाँ। तो संबंध सब पार्टियों से है, हमारे सब लीडरों से संबंध है, उनकी जो पॉलिसी होती है जी, उस पॉलिसी के अगेंस्ट हम काम करते हैं जी, हमारे सबसे संबंध है जी। लेकिन अगर वो फार्मर्स के अगेंस्ट में पॉलिसी होगी तो हम उसका बायकॉट करेंगे, उसका विरोध करेंगे जी। और जो भी सरकारें होती है, अगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा है, उनसे बातचीत करनी होगी जी, तो हम कुमार स्वामी से तो बात नहीं करेंगे जी। अगर फार्मर्स के किसी संबंध में बात करनी होगी तो जो चीफ मिनिस्टर होगा उसी से बात करनी पड़ेगी जी, या येदियुरप्पा से बात करनी पड़ेगी जी। अगर उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ेगी, उनके अगेंस्ट मूवमेंट भी चलाएंगे और बात भी उन्हीं से करनी पड़ेगी जी। जो भी सत्ता में पार्टी होगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी गवर्नमेंट चलाने का काम कर रहा होगा, उन्हीं अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी जी। उसी टाइम के वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ेगी, ये है। इसलिए लोग कहते हैं जी आपके सबसे संबंध रहते हैं जी, हमारे संबंध उसकी कुर्सी से रहते हैं जी। सर जो आप किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें क्या मुसलमानों के जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट में है आपके? नहीं, हमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए किसी का जी, वो एक धार्मिक वो चलाए कोई भी जी, हमें ओनली और फार्मर्स चाहिए जी, कोई संस्था नहीं चाहिए जी, कि वे संस्था वो संस्था अपना धार्मिक काम करो, अपना और काम करो, अपना वो करो, हमको तो जो ओरिजिनल जो फार्मर्स जो खेती करता है वो चाहिए किसान जी। अभी कांग्रेस हो या दूसरी जो पार्टीज हैं अपोजिशन पार्टीज हैं, क्या आप नहीं समझते कि आपके कंधे पर बंदूक रख के वो निशाना चला रहे हैं? नहीं नहीं, उससे पहले ये BJP वाले चलाते थे जी भाई, उससे पहले ये आते थे हमारे पास जी, और ये कहते थे कि जी ये सरकार ये काम कर रही है जी,
तो जब ये सपोर्ट करते थे हमारी, आज जितना वे सपोर्ट करते थे बीजेपी वाले, इतना ये कर रहे हैं जी। कोई सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ विपक्ष को आवाज़ उठानी होती है, विपक्ष अपना काम करे जी। यहाँ कोई वोट तो है नहीं जी। आंदोलन कब तक चलाने का इरादा है आपका? हमें तो आंदोलन ख़त्म कहाँ करने का इरादा हमारा जी। लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है? और हम भी मानने के लिए तैयार नहीं। कब तक? जब तक वे चाहेंगे। क्या अगले इलेक्शन में वो आएंगे? क्या पता क्या होगा। हम तो पूरे देश भर में जाएंगे, जो उनकी गलत नीतियाँ हैं वो बताएंगे जी। और सबसे बड़ा इशू आज MSP का है जी। यहाँ पे पेड़ी हैं, यहाँ पे मकईज हैं, तो जितनी भी फसलें हैं, ये सब पर जो 23 फसलें हैं वो MSP पे उनकी खरीद हो, उस पर कानून बने, लीगल राइट किसानों को मिल जाए। कोई भी व्यापारी खरीदे, कोई भी बड़ी कंपनी खरीदे, उसके कम पे ना खरीदे जी। तो ये थे राकेश टिकैत सर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।